का। और नाजरीन, ईद के दूसरे रोज भी दस्तरखान पर मिठाई को खास अहमियत हासिल होती है। मीरपुर खास की स्वीट शॉप्स पर शहरियों की कसीर तादाद मिठाई खरीदती दिखाई दे रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे शाहिद जमील। जी शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और मीठी ईद की मिठास दूसरे रोज़ भी जूँ की तो बरकरार है। यही वजह है कि मिठाइयों के फरोख्त का सिलसिला ताहाल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास की एक स्वीट शॉप पर, जहाँ पर चंद ख़रीदार इनसे मालूम करते हैं कि ये मिठाई अपने लिए लेने आए हैं या कहीं अपने दोस्तों में लेकर जा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के लिए और अपने मिठाइयों के लिए, जो घर में मेहमान आए हैं उनके लिए जो ना अपने लिए स्वीट लेने आया हूँ, ठीक ना। यहाँ की मिठाई बहुत मशहूर है, इसी वजह से मैं यहाँ पे जो ना मुझे बोला गया कि मिठाई यहाँ से ली जाए। जी बिल्कुल, इस हवाले से जब हमने दीगर यहाँ के ख़रीदारों से बात की तो उनका भी ये कहना था कि इस शॉप की मिठाई हलवा जात बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जब तक दस्तरखान पर मिठाई ना हो, इसके तीनों दिन मिठाई ना हो, दस्तरखान का मज़ा नहीं आता। और हम अगर कहीं मेहमान बनकर जा रहे हैं तो हाथ में मिठाई का डब्बा ना हो तो तब भी अच्छा नहीं लगता। जी।